तैयारी कर रहे थे और इन लोगों ने ऐसे खेल खेल रहा, पक्ष और विपक्ष दोनों ऐसा खेल खेल रहा, सभी युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को फुटबॉल की तरह इधर से उधर मार दे रहा है। ये हम लोग पता ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी काफी लोगों का जो है उम्र निकलते जा रहा है, नौकरी नहीं ले पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में इन लोगों ने ऐसा असंवैधानिक नीति बनाई है जिसको यथाशीघ्र जो है न्यायालय जो है माननीय न्यायालय उसको रद्द कर देती है। और ऐसे समय पे जो तिथियां निकल चुकी होती है, किसी किसी का एग्जाम ले चुके होते हैं, उसके ऐसे दर में समय में इन लोगों ने इस नियम को चुनौती देकर के रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, ताकि यहाँ के बेरोजगार युवक लोग जो है आज रोड पर भटक रहे हैं और आज हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। इसलिए आज हम लोग ये यदि सरकार यदि नहीं मानती है, यदि इसे यथाशीघ्र यदि संशोधन करके यदि नियोजन नीति को यथाशीघ्र यदि लागू नहीं करती है, यदि रोजगार बेरोजगारों के लिए यदि नौकरियां नहीं निकालती है, वैकेंसी नहीं निकालती है, तो पूरे झारखंड में आग लगेगी, आर्थिक नकेबंदी होगी, पूरे युवाओं का यह आह्वान। राजीव जी, आपका आरोप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पे।